कांग्रेस ने गोड्डा से एक महिला प्रत्याशी का टिकट काटकर रांची से एक महिला प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। नई सूची में गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह की जगह प्रदीप यादव और रांची से सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को पार्टी ने टिकट दिया है। राज्य की राजधानी में जिस उद्देश्य के साथ कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय और राम टहल चौधरी का टिकट काटकर सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है, वह उद्देश्य कितना पूरा हो पाएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। रांची लोकसभा सीट पर सवाल तो कई हैं, पर सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि क्या भाजपा से हाल ही में कांग्रेस में आए रामटहल चौधरी पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे? क्या कांग्रेस के अंतर्कलह की वजह से रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ की जीत फिर पक्की हो जाएगी? क्या कांग्रेस नेता राम टहल चौधरी ने चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती को दुरुस्त करने के लिए वे कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी राजधानी रांची में नहीं करेंगे? राम टहल चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि वे रांची से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में सुबोध कांत सहाय का नाम लगभग तय बताया जाने लगा था। ऐसी सूचनाएं आई थी कि राम टहल चौधरी और सुबोध कांत सहाय में ही पार्टी किसी एक को रांची से अपना प्रत्याशी बनाएगी। काफी समय लगा, काफी जद्दोजहद हुई, लेकिन रांची से जिस नाम की घोषणा हुई वह नाम था यशस्विनी सहाय का। इस घोषणा के साथ ही यशस्विनी राज्य की सबसे छोटी उम्र की सांसद प्रत्याशी बन गई हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि रांची के इतिहास में अभी तक कोई महिला सांसद प्रत्याशी भारतीय संसद नहीं पहुंच पाई। तो क्या यशस्विनी सहाय रांची की पहली महिला सांसद बनने का खिताब अपने नाम कर सकेंगी? क्या वे मोदी लहर के बीच एक शहरी आबादी वाले लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ को टक्कर दे पाएंगी? इस बहुचर्चित सवाल पर सबकी निगाहें इसलिए अटकी हैं क्योंकि यशस्विनी के पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भाजपा के प्रत्याशी रहे संजय सेठ से पिछली बार कई लाख वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। इस सभी जरूरी सवालों के बीच नश्तर से चुपता हुआ एक सवाल यह भी है कि क्या भाजपा के 370 सीटों के दावे में रांची सीट को बचाकर कांग्रेस की झोली में डाल पाने में यशस्विनी आखिर किस कदर कामयाब हो पाएंगी, वो भी तब जब रांची से 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी ने यशस्विनी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर कर दी है। आइए ढूंढते ही इन्हीं सवालों का जवाब और शुरू करते हैं विश्लेषण झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट रांची लोकसभा सीट की। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानी। सबसे पहले नजर डालते हैं यशस्विनी सहाय के अब तक के सफर पर। यशस्विनी सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी, उनकी मां रेखा सहाय एक लोकप्रिय टीवी कलाकार के रूप में प्रख्यात है। यशस्विनी ने मुंबई के किसी कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट इटली से लॉ में ही मास्टर डिग्री हासिल की। मास्टर करने के बाद वे मुंबई लौटी और वहां से फैमिली और सेशन कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा यशस्विनी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं। आप में से कई लोग इस NGO के बारे में बखूबी जानते भी होंगे। दिलचस्प बात यह है कि यशस्विनी सहाय झारखंड में भी कई विषयों पर काम कर चुकी हैं। यहां उन्होंने बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम और पोक्सो एक्ट के क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया है। एक इंटरव्यू में वे बता रही थी कि मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य में काम किया है और वे मानवाधिकार को लेकर आगे भी काम करना चाहती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यशस्विनी एक पढ़ी लिखी, समझदार और तेज तर्रार महिला है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की शिक्षा अपने राज्य में यानी झारखंड में किसी और प्रत्याशी ने हासिल की है जो इस बार चुनाव में खड़े हैं। जमीन पर भी यशस्विनी ने अच्छा खासा काम किया है, लेकिन राजनीति में उनका कोई अनुभव नहीं। हालांकि उनका दावा है कि वे अपने पिता के साथ रांची से
सभी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण पहले ही कर चुकी हैं और कई बार संगठन में भी आती जाती रही हैं। ये तो थी उनके व्यक्तिगत जीवन और करियर से संबंधित बातें, लेकिन अब हम समझते हैं कि रांची सीट पर उनकी जीतने की संभावना आखिर कितनी है। देखिए, रांची एक शहरी सीट है, यहां शहरी मतदाताओं की आबादी 10 लाख यानी 52% से भी अधिक है और शहरी वोटरों को भाजपा के वोटरों के रूप में देखा जाता रहा है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि रांची शहर की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, रांची, कांके और हटिया, ये तीनों भाजपा के पास है। बची 3 सीट खिजरी, सिल्ली और ईंचागढ़, इसमें से खिजरी कांग्रेस के पास है, ईंचागढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और सिल्ली आजसू के पास है। सुदेश महतो वहां से विधायक हैं। यानी 6 में से 4 सीटें एनडीए के पास है, बची 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन काबिज है। अगर हम पिछले चुनाव पर गौर करें तो पाएंगे कि भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ की जीत का मार्जिन 2,70,000 के करीब था। यह मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है और शहरी सीट पर इस मार्जिन को पाटने के लिए बड़े फेरबदल की जरूरत पड़ती है। हालांकि इस बात को भाजपा कार्यकर्ता भी स्वीकार करते हैं कि पूरे लोकसभा सीट पर संजय सेठ का अपना कोई विशेष जनाधार नहीं है, वे मोदी के नाम पर जीतते आ रहे हैं। इस बार उस तरह की मोदी लहर भी नहीं दिख रही है और 5 सालों का एंटी इनकम्बेंसी भी संजय सेठ के साथ होगा, जबकि यशस्विनी एक फ्रेश कैंडिडेट है, महिला है, युवा है और सुशिक्षित है, तो निश्चित रूप से इसका असर चुनाव में रहेगा। लेकिन यह अंतर उन्हें जीत दिलाने में कामयाब हो सके यह कहना बहुत ही मुश्किल है। जाति आधार पर रांची लोकसभा सीट में सबसे अधिक संख्या महतो यानी कुड़मी जाति की है। इसी बिना पर रामटल चौधरी कई बार यहां से सांसद रहे, 5 बार। महतो टाइटल वाले यहां 12% से अधिक है। इसके बाद 6% आबादी सिंह टाइटल वालों की है। मुस्लिम मतदाता यहां 15% है और आदिवासी यानी ST 28%। अब आप समीकरण जोड़िए, महतो जाति की जो आबादी है प्रमुखता से सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है, जहां सुदेश महतो की पार्टी आजसू का काफी अच्छा प्रभाव है। रांची में स्थित सवर्ण मतदाता भी कमोबेश भाजपा के ही वोटर हैं। बाकी आदिवासियों और मुस्लिमों की आबादी जोड़ी जाए तो आंकड़ा 43% तक पहुंच जाता है। अब चूंकि अभी तक कोई तीसरा बड़ा खिलाड़ी मैदान में नजर नहीं आ रहा है, मैं मानकर चल रहा हूं कि जीतने के लिए प्रत्याशी को कम से कम 45-47% वोट लाने पड़ सकते हैं। इस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि यदि आदिवासियों और मुस्लिम वोट यशस्वनी को मिलते हैं तो मामला उनके पक्ष में जा सकता है। हालांकि यह एक बड़ा टारगेट है जिसके लिए काफी जद्दोजहद, काफी मेहनत करनी होगी। राजनीति में नई नई आई यशस्वनी के लिए सिर्फ 1 महीने में इतना भ्रमण और लोगों से संपर्क करना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने रहेगी। दूसरा प्लस पॉइंट यशस्वनी के लिए यह है कि उनका जेंडर यानी उनका महिला होना, इस बात की काफी फर्क हमने चुनाव में भी देखी है, कई बार महिला होने का फर्क रहता है चुनाव में और महिलाओं को वोट उन्हें मिल सकता है। सब कुछ फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यशस्वनी सहाय के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस दौरान अगर कोई है तो वे हैं रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी। आप जानते हैं कि भाजपा द्वारा उनका टिकट काटे जाने पर पिछले साल वे रांची से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 30,000 से भी ज्यादा वोट पर नहीं आया था और इस बार टिकट की आस में वे कांग्रेस में शामिल हुए। चर्चा चरम पर थी कि कांग्रेस की टिकट पर रांची से राम टहल चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे वे नाराज हो गए, खफा हो गए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर वे पार्टी की झंडा ढोने के लिए तो कांग्रेस में नहीं आए, ये उनका बयान। जाहिर है कि उन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, पूरी संभावना उनके तरफ से थी, पर रामटहल चौधरी ने अभी तक निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात को भी नकारा है और वे पिछले बार की स्थिति देखकर मुझे लगता भी है कि वे चुनाव लड़ने का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कहा है कि वे न्यूट्रल रहेंगे और समय आने पर वे तय करेंगे कि उन्हें किनका समर्थन करना है। अब कांग्रेस में होते हुए भी अगर ये तय करना पड़ जाए कि किनका समर्थन करना है तो रांची लोकसभा सीट पर कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये बकायदा आप महसूस कर सकते हैं। साफ है कि वे कांग्रेस के यानी रामटहल चौधरी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की तरफ से परिवारवाद का मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्वनी को टिकट दिया गया है। इसका जवाब यशस्वनी को तैयार रखना होगा, उनके इंटरव्यूज, बयानों और भाषणों से उनकी छवि अभी तय होगी, उनका आवरण अभी बनेगा और फिर लोग उन्हें लेकर अंक धारणा बनाएंगे और तब उनके पक्ष या विरोध में वोट देंगे।
यशस्विनी को लेकर हम भी बहुत उत्सुक हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक राजनेता के तौर पे, एक राजनेत्री के तौर पे वे किस तरह की इमेज लेकर चलती हैं। रांची में पांचवें चरण यानी कि 20 मई को वोट डाले जाएंगे, तब तक सियासी जमीन पर काफी कुछ बदल सकता है। हम हर बदलाव की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं हम जनमत यात्रा में भी हैं, नेतागण का सेगमेंट आ रहा है और सियासी कहानी आप देख ही रहे हैं। हम बताते रहेंगे आपको कि रांची सहित राज्य की अन्य सभी सीटों पर माहौल क्या चल रहा है। आपको हमारा यह विश्लेषण रांची लोकसभा सीट को लेकर कैसा लगा हमें लिख कर बताएं। यदि आप रांची से देख रहे हैं तो यह भी बताएं कि आपका आकलन क्या कहता है, आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, यह भी हमें लिख कर बताएं। हम आपकी राय को सार्वजनिक भी करेंगे। जाते जाते आपके झारखंडी पत्रकार का हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं और उनसे कहें कि वे द फोर्थ पिलर से जुड़ें और हमारे साथ झारखंड की सियासी कवरेज में शामिल हो सकें। हमें फिलहाल इजाजत दीजिए, हम फिर किसी अन्य विषय पर अपनी बात लेकर हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि रांची लोकसभा सीट पर भाजपा ने संजय सेठ को ही टिकट दिया है। कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय और रामटहल चौधरी का टिकट काटकर सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है और जयराम महतो की पार्टी ने देवेंद्र महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों के बाद किस पार्टी का परचम रांची लोकसभा सीट पर फहरता है और कौन वो प्रत्याशी होता है जो दिल्ली स्थित भारतीय संसद में रांची के मुद्दे को लेकर दहाड़ भर रहा होगा। मुझे आप कमेंट कर बताइए कि इन तीनों प्रत्याशी में किसके जीत की अनुमान आपको सबसे अधिक लग रही है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।